नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी स्पेशल 2024 के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में आप लोग चैप्टर वाइज यूपी जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये सभी प्रश्न UP SSC AGTA UP SSC जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर देना है, इसमें से सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 नवंबर 1974 उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है चंद्रप्रभा मृगवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बहोसी अभ्यारण कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाख बहोसी अभ्यारण। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारणों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा इसका सही आंसर बनेगा। तीसरा, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण और उधवा पक्षी अभ्यारण उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो तीसरा और चौथा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिक्स, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजगंज। नेक्स्ट, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो सेवन का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, महोबा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो एट का आंसर हो जाएगा, जिम कार्बेट इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है इनमें से? तो यहाँ पर टेन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में स्थित है मयूर मथुरा संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, ये क्वेश्चन हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पार्वती आरंगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरहाताल पक्षी विहार प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो बलिया में स्थित है सुरहाताल पक्षी विहार। नेक्स्ट, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, लाख बहोसी पक्षी विहार। नेक्स्ट, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पटना पक्षी विहार। नेक्स्ट, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार इनमें से आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हसनापुर वन्य जीव विहार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार इनमें से आपको बताना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इनमें से 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 19 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई है? तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला इनमें से आपको बताना है। तो 21 का आंसर हो जाएगा, भदोही। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है, प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटावा में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33.33% क्षेत्रफल। नेक्स्ट 26 है, उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 6.88% लगभग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण कितना परसेंट है? तो 27 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9.20%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास आपको बताना है, तो यहाँ पर 30 का आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांस इसका सही जवाब बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बांस बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेंदू। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो 32 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17। नेक्स्ट, पार्वती आरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो 33 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तथा दूसरा दोनों। यह एक पक्षी अभयारण्य है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो एक तरफ पक्षी विहार दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाबगंज इलाहाबाद स्थान से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 है, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो इनमें से आपको आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगरौली क्षेत्र में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिल्का रेत के लिए प्रसिद्ध है? तो थर्ड का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, नैनी। नेक्स्ट, सिल्का बालू खनिज का उत्पादन किस जिले से होता है? तो राइट आंसर इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो 5 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनराई ललितपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई है, तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई है? तो 8 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम आपको बताना है कहाँ पर उपलब्ध है? तो ललितपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 11 का आंसर हो जाएगा
प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रदेश में एंडालुसाइट प्राप्त होता है, तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र और मिर्जापुर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंडालुसाइट के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्रक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज इनमें से कौन से हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिर्जापुर जिले से होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर 19 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है? तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, मिर्जापुर तथा सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो 21 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम झांसी। नेक्स्ट है, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंवला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नरौरा बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट है, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई कब चालू हुई है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1991। नेक्स्ट है, पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन आपको बताना कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया है? तो 7 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 1959 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो 8 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ऊपरी गंगा नहर। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है इनमें से? तो 10 का आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टांडा इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, परीक्षा तापी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर 15 है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिहंद सही जवाब बनेगा दोस्तों। माता टीला विद्युत ग्रह किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से
नहीं है। तो 18 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं। तो 19 का आंसर आप लोग दीजिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक परियोजना। नेक्स्ट है, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ललितपुर ताप विद्युत ग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बजाज ग्रुप। नेक्स्ट है, बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 25 का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा दादरी सिंगरौली। ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड दोनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे यूपी स्पेशल 2024 के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया दोस्तों, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो रोजगार वित्त अंकित सर की जो बुक आई है, अंकित भाटी सर की, उस बुक से ये सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह यूपी स्पेशल की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से पर डे आपको मिलती रहेगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।